करनाल के अर्जुन गेट और कलंदरी गेट के बीच गांधी किचन के नाम से वेज या नॉन वेज बेचने वाले अमृत व इंदर सोमवार सुबह से ही फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ये दोनों कूपन डालने और भारी डिस्काउंट पर चिकन बेचने का भी कार्य करते थे, परंतु आज सुबह से ही ये दोनों फरार हैं। उनके निवास स्थान पर भी तालाबंदी बताई जा रही है। गांधी किचन कॉर्नर के मैनेजर ने बताया कि आज सुबह से ही गांधी किचन के दोनों मालिक फरार हैं। उन्होंने बताया कि पूरे स्टाफ की 1.5 महीने से सैलरी भी रोक रखी है, जिसके कारण दुकान पर कार्य करने वाले कारीगरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बड़ी संख्या में अपने पैसे लेने वाले लोगों ने गांधी किचन पर आकर जोरदार हंगामा भी किया। लेन देन है उसके बारे में हमारे को पता नहीं है, लेकिन ड्रॉ चलाते थे, उसका लेन देन कितना है क्या नहीं है इसका किसी को पता भी नहीं चला है। मैं इस होटल का मेन सेफ हूँ, जितने भी स्टाफ मेरे यहाँ 25-30 बंदे यहाँ काम करते हैं, किसी को भी पैसा नहीं मिला 1.5 महीने से कम 9 लाख का लेन देन है। हमारे को बताया भी नहीं, कोई भी बात लीकेज भी नहीं होने दी। रात तक भी काम किया, अभी हमने सुबह आया होटल पर खोला तो होटल पता चला कि मालिक लोग घर पर नहीं, घर गया तो घर पर भी ताला लगाया, चौक वाले दुकान भी भेज दिया, कोई पता नहीं चला इनका यहाँ ये पता नहीं हमारे को कहाँ भगा इसका कोई पता नहीं हमारे को। जब यहाँ और बंदे आ रहे हैं जिनके पैसे लेने देने हैं, वो यहाँ आ रहे हैं कह रहे हम सामान उठाते हैं। मैंने कहा भाई कोई सामान नहीं उठाएगा, जब तो हमारा पैसा यहाँ कोई नहीं देगा हम तब तो सामान नहीं उठा देंगे इसको होटल का, तो कोई नहीं हम सामान अभी कोई नहीं ले गया, हमने अंदर बंद कर रखा है। जिसकी प्रॉपर्टी है उसको चाबी दे रखी है, उससे हमने कहा गया भाई सामान तू लेगा। सुबह से ही नहीं आया वो, सुबह से नहीं आया। पुलिस रिपोर्ट करवाइए ना आप, पुलिस रिपोर्ट कराएंगे। अभी हमने कराया नहीं, इस टाइम तो हम बैठे थे, इस टाइम तो हम पता नहीं था, हम पुलिस रिपोर्ट कराएंगे, सब चीज़ करेंगे, कार्रवाई कराएंगे। और जब तक तुम विदेश भाग जाएगा वो, ये तो हमारे को पता नहीं, जब विदेश जाएगा कहाँ जाएगा ये हमारे को पता नहीं है, पता नहीं कि कहाँ है क्या नहीं, हमारे को क्या चीज हुई है। जैसे जैसे सप्लायर हमारे पास आते चले गए, हमें पता चलता गया इस चीज के बारे में, तो उसी बीच में जाम लगा, तभी हम लोगों ने इसको शटर का डाउन किया, सामान अपने कब्जे में लिया। सप्लायर जो आ रहे हैं हमने बोल दिया, जो भी सप्लायर इस सामान को लेगा वो स्टाफ की 1.5 महीने की जो सैलरी रुकी हुई है वो स्टाफ की सैलरी दे दे, उसके बाद कोई भी सामान कहीं भी लेके जाए हमें कोई इस चीज से मैटर नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन स्टाफ की सैलरी मिलनी चाहिए बस। आप क्या करते हैं? मैं मैनेजर हूँ सर यहाँ पे। क्या नाम आपका? मोहित गर्ग। तो आपको भी पता नहीं था सर? किसी को कुछ भी भनक नहीं थी, किसी 1% की भी सर। रात 11 बजे तक पूरे स्टाफ ने काम किया है। क्या नाम है उनका? इंदर गांधी, अमरीक सिंह गांधी। कितने देर से दुकान चल रही है ये? सर ये तो 5 साल से, पिछले 5 साल से, अभी जो यहाँ पे नई बनाई है वो 10 महीने से, वो 10 महीने से यहाँ पे रही हुई है। इससे पहले महाराणा प्रताप चौक पे चल रही थी सर। आहो मेरे को पता है, यहाँ गांधी किचन के ओनर थे, वो कल रात से फरार हैं। सुबह से हमें पता चला कि सुबह से नहीं आए हैं, फरार हो चुके हैं। उन्होंने अपनी दुकान भी रेंट पे दे दी है किसी को, मकान उन्होंने सेल कर दिया है, घर पे ताला लगा हुआ है। सुबह से हमारे पास गराई वाले लोग आ रहे हैं, सर मेरे पैसे दीजिए, मेरे पैसे दीजिए, मेरे पैसे दीजिए। ऊपर से हमारी स्टाफ की 1.5 महीने की सैलरी रुकी हुई है, जिसका एस्टिमेट 9 लाख रुपए बनता है। ठीक है, सारा स्टाफ परेशान है, कोई रेंट पे रहता है, कोई 2000 रेंट पे है, कोई 2500 रेंट पे है, कोई 5000 रेंट पे है। तो यही उम्मीद है कि मीडिया के जरिए कि इन गरीब बच्चों का समाधान हो सके। जो ये लेबर है दूर से आती है, कोई बिहार से आया हुआ है, कोई नेपाल से आया हुआ है, कोई कहीं से आया हुआ है, तो यही उम्मीद है कि मीडिया के जरिए हमें इस चीज़ का सलूशन मिले। लोगों ने कमेटियाँ डाली हुई हैं, वो लोग भी हमारे पास आ रहे हैं कि सर कमेटियाँ डाली हुई थी, हमारा इतना पैसा है, हमारा इतना पैसा है। एक ये हमारे भैया जी हैं इधर, इन्होंने भी पैसे लेने हैं, इनके पास भी शॉपिंग हुई है। ठीक है, कृपया बाबू जी का साथ लो। हाँ जी बाबू जी, क्या मामला हुआ है? आ जाओ इधर आओ, आप सामने आओ इधर। मामला ये हुआ, जो गांधी चिकन कॉर्नर के नाम से है, उसने बहुत दिनों से कूपन सिस्टम चलाया हुआ था। जो कूपन में वो सामान दे रहा था, लोगों से पैसे ले रहा था, वो एक बहुत बड़ा धोखा था। कुछ ग्राहक हमारे पास भी आते थे, भाई हरियाणा वालों आप तो ऐसे कर रहे, वो ऐसे कर रहा है, मगर जी वो कर रहा है। एक चीज़ हमें मार्केट में 300 रुपये की पड़ी और 200 रुपये की बेच रहा है, तो उसने तो लोगों के पैसे मारने थे। आज जो गरीब आदमी है, जो मजदूरी कर रहे थे यहाँ पर, जितने भी थे वो सेब से लेकर हर जो भी क्या नाम थे, वेटर थे, आज 6 या 7 लाख रुपये, 5 लाख मैं अभी बता दूँ, 6 या 7 लाख सुनो, 6 या 7 लाख महीने की तनख्वाह दी, वो सब लेकर फरार हो गए। मटन चिकन कॉर्नर वालों के जो इनसे मीट इनको सप्लाई करते थे, 5 लाख उनके, सिलेंडर वालों के हैं, जैसे ये भाई खड़े हैं, 5 लाख इनके हैं। वो जो नगर कपड़े की दुकान है जी, जो कमेटी की उनकी कपड़े की दुकान थी, वो भी रात रात बेच गए। जो
जो आदमी ऐसे ही मतलब वो तो बहुत दिनों से इसी लाइन पे लगा हुआ था कि मैं अपना सारा सामान बेचूं लोगों के पैसे लूं, आज 6 या 7 करोड़ रुपए लेकर वो यहाँ से फरार हो चुका है। पुलिस रिपोर्ट करवाई है, पुलिस रिपोर्ट नहीं हुई है, अभी मैंने बुलाए हैं, अभी तो बहुत ही बोलो आप, ऊंची आवाज बोलो, अभी नहीं करवा, अभी करवाएंगे, अभी कराएंगे, बोलो आप। हां क्या आज जो कैसा कैसा है आपका, मेरे है 4.5-5 लाख का हिसाब है, ऊंची बोलना भाई। हां जी, और अभी पल्सो में से शॉपिंग करके गए हैं, 15,000 रुपए की पल्सो शॉपिंग का बिल है, आज मैंने बिल भेजा है उनको, ये देखो। चलो बताओ आगे बताओ कौन है बाबू जी, हाँ वो है, ठीक है जी बाबू जी दिखाओ आप सारी बात खोलो आप। ये अभी मैंने 14,930 का बिल है आज भेजा व्हाट्सएप पे मैंने उनको, सारा हिसाब किताब आज बना के भेजा उनको। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक